उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में लूट और छिनैती करने वाले गैंग के चार लुटेरे गिरफ्तार। आपको बताते चले, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने लुटेरों के एक गैंग के चार बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूटा गया मोबाइल फोन और अवैध हथियार बरामद किए। कोतवाली थाने में 26 अगस्त को मोबाइल फोन लूट की घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी और आज बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला कालीवाड़ी निवासी देव सक्सेना पुत्र अर्जुन सक्सेना और सुभाष नगर थाने के मोहल्ला मणिनाथ स्थित राजकुमारी इंटर कॉलेज के पास रहने वाले अर्जुन यादव पुत्र राम निवास यादव उर्फ कल्लू यादव को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना कोतवाली में पुलिस लाइन के बगल में जो एंटी करप्शन का ऑफिस है, उनके इंस्पेक्टर हैं, निरीक्षक के साथ वो फोन पर बात कर रहे थे, तो उनका फोन किसी बाइक सवार ने झपट्टा मार के छीन लिया था। इसमें लगातार पुलिस द्वारा इसकी तलाश की जा रही थी, सीसीटीवी फुटेज दिखवाई गई और भी जो जमानत पर अपराधी हैं उनका आपराधिक इतिहास संभाला गया, तो उसमें कुल मिलाकर चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें लूट करने वाले एवं लूट के उपरांत अभियुक्तों द्वारा जिनको मोबाइल बेचा गया, जहां से लॉक तोड़वाया गया, उन भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एसओजी टीम की इसमें इस केस को वर्कआउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके ऊपर दो मुकदमे, दो इनका आपराधिक इतिहास लूट।